आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र झज्जर के सामान्य बस अड्डे पर अनुपम हरियाणा की टीम ने एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें हमारे संवाददाता ने यात्रियों, दुकानदारों से बात की और जाना कि लोगों का अब की बार किस पार्टी की ओर रुझान रहेगा। आइए दिखाते हैं आपको जनता की जुबानी। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं झज्जर के बस स्टैंड पे और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। आप सब देख सकते हैं यहाँ कुछ यूथ बैठा हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। एक बार लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो किस पार्टी का रुझान ज्यादा रहेगा, ऐसा क्या कारण है जो कांग्रेस का रुझान ज्यादा रहेगा? नौकरी मिलेगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा है यहाँ से, उनके कार्यकाल में कैसे क्या काम हुए हैं? बहुत अच्छे काम हुए हैं। यहाँ कुछ और यूथ बैठा है, आप बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस चीज़ को देखते हुए आप वोट देंगे? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। किस चीज़ को क्या खूबी है ऐसी कांग्रेस में? चाहे मोदी आ जाए, हुड्डा नहीं हारेगा। हुड्डा ने शहर को अच्छा बनाने के लिए शहर को बहुत ज़्यादा अभी जिला भाजपा की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं या नहीं किए हैं? पर हुड्डा से संतुष्ट है, भाजपा से भाजपा से भारतीय जनता पार्टी क्या कारण है सर ऐसा? भारतीय जनता पार्टी मोदी ने सफाई की है, चोरों की सफाई की तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कौन सी पार्टी को समर्थन रहेगा? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, किस चीज़ को देख के आप वोट देंगे? विकास कार्य को देखते हुए वोट देंगे या किसी अन्य नेता को देखते हुए आप वोट देंगे? नेता को देखते हुए। इसका क्या कारण है बीजेपी में बहुजन समाज पार्टी क्या खास है? इतना नहीं होगी आज ही, आज तक अभी तक नहीं आई है समाज पार्टी। जब तक 71 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए हैं, अब तक कांग्रेस बीजेपी चल रही है, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आपकी बार आप विकल्प चेंज करके आप दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए? हाँ, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा भी उठाया है कि नए विकल्प को चुनेंगे। यहाँ तो महिलाएं बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। हम लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कौन सी पार्टी को समर्थन देना चाहेंगे? फिर भी मैम किसी को सपोर्ट किसको रहेगा? बीजेपी। क्या कारण है मैम ऐसा, बीजेपी पार्टी में क्या खास है? किस पार्टी को आप अपना समर्थन देना चाहेंगे, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी में ऐसा, क्या खास है? तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये डेवलपमेंट की बात दे रहे हैं, महिलाओं का ज़्यादातर रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा है। कुछ यूथ बैठा था वहाँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अपना समर्थन दिया है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग दीपेंद्र हुड्डा को पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ महिलाओं ने मोदी का नाम भी लिया, तो एक दुकानदार ने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। अनुपम हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।